गोरखपुर से काठमांडू बस सेवा शुरू करने को लेकर क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी व नेपाल परिवहन मंजूश्री ट्रेवल्स के चेयरमैन छिरिंग शेरपा के मध्य बैठक क्षेत्रीय प्रबंधक के कार्यालय में की गई। इस दौरान दोनों देशों के बीच विस्तृत चर्चा की गई तथा यह निर्णय लिया गया कि गोरखपुर व काठमांडू के बीच जल्द ही बस सेवा शुरू की जाएगी तथा वाहन के संचालन का समय व किराया जल्द ही निर्धारित कर जनपदवासियों को नए साल में काठमांडू जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जिसका संचालन रेलवे बस स्टेशन से शुरू किया जाएगा। जिसके संबंध में परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी ने बताया कि गोरखपुर से काठमांडू बस सेवा शुरू होने से आसपास के यात्रियों को काफी सहूलियत प्रदान होगी तथा पर्यटन की अच्छी सुविधा भी प्रदान होगी। उन्होंने कहा कि जितना जल्दी परमिट मिल जाएगा यह बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने कहा प्रयास है कि नए साल में बसों का संचालन शुरू कर दिया जाए। इस अवसर पर सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक परशुराम पांडे, कृष्णचंद श्रीवास्तव, नेपाल के मंजूश्री ट्रेवल्स के बलराम बराल, भरत शंभू सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक पीके तिवारी तथा नेपाल मंजूश्री ट्रेवल्स के चेयरमैन छिरिंग शेरपा ने कहा, लेकिन अब स्टेशन तो रद के लिए ना, ये एक स्टेशन रद है वो तो बनारस के लिए है, क्योंकि रेलवे के सामने ये है, आपके रेलवे स्टेशन के सामने से ही निकले वो हम लगवा देंगे। मेट्रो बस के जो होर्डिंग वो तो हम लाइट वाला लगाया ना तो बहुत ही बेटर है, क्योंकि मेरा भविष्य को देखा था जितना पैसेंजर का चाहता था, तो अगर होर्डिंग बोर्ड जो गेट नंबर वन और वो लगाएंगे तो मुझे लगता है वहाँ से बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। आप 6 बजे चलाएंगे, 6 बजे चलेगा तो सुबह पहुँचेंगे बॉर्डर। सर 6 बजे तो ट्रेन कितना बजे ट्रेन सुबह आता है शाम का आधे इधर ज्यादा ट्रेन जो बाहर से आता है वो सुबह पहुँचता है शाम को पहुँचता है ट्रेन, मेरे ख्याल में सुबह पहुँचता है ट्रेन तो सवेरे ही आता है सवेरे। और हम लोग ने चलाई थी तो जो वहाँ से चलती थी तो 11 बजे करीब पहुँचती थी, तो हम तो 11:30 पहुँचती ना। हम लोग एक बार सर्वे में गए थे जब आपने आपने सब लगा भी थी तो वो तब जो है हम लोग सर्वे हम पाल जी एक 11 साल भी गए थे साथ में, तो पूरा से रात शाम के चले थे, यहाँ सुबह 5:30-6 बजे आए गए थे, यहाँ से सुबह आए थे अपने ही चाय पी हुए और फिर उसके बाद हम लोग 11:15 बजे पहुँचे थे वहाँ। जब यहाँ 6 बजे आएगी तो यहाँ से बनारस का 5 घंटा अभी आपको हम लोग स्लोली से काठमांडू से गाड़ी निकलेगा तो हमारी गाड़ी यहाँ करीब बंद 11 बजेगा। काठमांडू से तो नाइट ही निकालना पड़ेगा, शाम को 6 बजे आपको 6 बजे 18 बजे और गोरखपुर आएगा थोड़ी टाइम लगता है, बॉर्डर पे लगता है 1 घंटा मालूम है, 7 बजे बॉर्डर खुलेगा, 7 बजे से पहले बॉर्डर नहीं खुलता तो 8 बजे क्लियर होगा तो 2 घंटे बनारस पहुँचेंगे, यहाँ से बनारस से 5:30 बजे जो है शीघ्र ही काठमांडू के लिए सेवा प्रारंभ करने पर जो है कार्रवाई कर रहे हैं और इस पर जल्दी से जल्द परमिट प्राप्त कर और संचालन इसका प्रारंभ करेंगे। नेपाल से हमारे प्रतिनिधिमंडल आए हुए हैं, इनसे आपसी समझौता करके और समय किराया वगैरह तय करके इसका प्रारंभ हम लोग शीघ्र से शीघ्र करेंगे। सर क्या तारीख को डिसाइड हुआ इसका? अब परमिट के ऊपर कुछ डिपेंड करता है लेकिन मान के चलिए कि विद इन 15 डेज चालू हो जानी चाहिए, माना जाए कि देशवासियों को नए वर्ष में नहीं स्वागत। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हमारा प्रयास यही रहेगा। मेरा नाम छिरिंग शेरपा, स्वयंभू मंजूश्री यादव प्रणाली का मैं चेयरपर्सन हूँ। नेपाल फ्रेंडशिप बस को संचालन कर रहे हैं, हमने इससे पहले 2019 में एक समझौता किया था तो उस टाइम पर परमिट भी अलाउ हमने अप्लाई किया था,
तो हम उस टाइम पर शुरू करने वाले थे, लेकिन जो 2019 के बाद थोड़ा ये जो प्रशासनिक कार्रवाई की वजह से थोड़ा लेट हो गया, तो 2020 में जो कोविड की वजह से जो संचालन बंद हुआ था, तो अभी हम इसको 2022 हम जल्द शुरू करने वाले, क्योंकि हमने अभी ये परमिट हमारा काउंटर सिग्नेचर हम ले चुके हैं। तो आज हम ये आरएम साहब के साथ बैठे हुए इसका जो मुख्य जो उद्देश्य हमारा जो यहाँ गोरखपुर टू काठमांडू के लिए गाड़ी भाड़ा किस तरह से निर्धारण करेंगे, और हमका ऑफिस कहाँ पे रखना है, गाड़ी का पार्किंग कहाँ पे करना है, तो पिकअप पॉइंट कहाँ पे, इन विषयों पे आज बात करके हम जल्द से जल्द ये 2022 के जनवरी फर्स्ट वीक में हम शुरू करें। अभी भी हम काठमांडू टू दिल्ली हमने बस संचालन किया, हमने वैक्सीनेशन का जो गवर्नमेंट जो पोर्टफोलियो रखा जो PCR RTPCR का जो हम उसको भी देख रहे हैं, और जो डबल डोज वैक्सीन का वो कार्ड भी हम ले रहे हैं, और जितने भी हमें जो हमारी बसेस हमारे पार्किंग में जो आता है उन सबसे पहले हम उनको सैनिटाइजर करवाते हैं, और प्रत्येक यात्रियों को हम मास्क वितरण करते हैं, जितने भी जो हेल्थ के जो हम प्रोटोकॉल के अंदर रहता है वो हम अपना हेल्थ को अपना के गाड़ी को भेज रहे हैं। तो आगामी दिन में जो हम गोरखपुर संचालन करके वो भी हम इसी तरह से भेजेंगे।